प्यारे व्यूअर्स नमस्कार। आज की हमारी टॉपिक है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शन। हमें जो लैपलास कोई भी हमें इंटीग्रल इक्वेशन दिया हुआ होता है, हमें उसे लैपलास के अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करना होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमें कुछ बेसिक्स फार्मूले होते हैं जिनके हम यूज से जो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे अगर हमें दिया है लैपलास 1 इक्वल टू 1 अपॉन पी, लैपलास टी की पावर एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, लैपलास टी की पावर एन एन इज ग्रेटर देन माइनस वन इक्वल टू गामा एन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, पी इज ग्रेटर देन जीरो, लैपलास ई की पावर ए टी इक्वल टू वन अपॉन पी माइनस ए, पी इज ग्रेटर देन ए, साइन ए टी इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी इज ग्रेटर देन जीरो, कास ए टी इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कास हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे हमें याद कैसे करेंगे, साइन ए टी और कास हाइपरबोलिक ए टी का जो होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका सेम होगा वही ए अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यही कंडीशन कास ए टी और कास हाइपरबोलिक ए टी में होगा। और भी हमारे जैसे ई की पावर ए टी इक्वल टू वन अपॉन पी माइनस ए, अगर यहाँ पे लैपलास ई की पावर माइनस ए टी दिया है तो यहाँ पे हम वन अपॉन पी प्लस ए लिखेंगे, जहाँ हमारा पी इज लेस देन ए होगा। हमने अगले टॉपिक में बात किया जो है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ बेसिक फार्मूले आपको बताए थे। अब उसी फार्मूले के बेस पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे सॉल्व होता है। लैपलास साइन ए टी माइनस कास टी का होल स्क्वायर, हमें पता होता है साइन टी माइनस कास टी का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस साइन टू टी, तो लैपलास वन माइनस साइन टू टी लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे लैपलास वन माइनस लैपलास साइन टू टी, साइन टू टू आएगा। हमें लैपलास वन इक्वल टू वन अपान पी पता है, माइनस साइन ए टी का फार्मूला होता है ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमारा फार्मूला होता है साइन ए टी इक्वल टू पी अपान ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, टू है, टू अपॉन पी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर आएगा, इसका मल्टी एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस फोर माइनस टू पी अपॉन पी इंटू पी स्क्वायर प्लस फोर, हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस फोर अपॉन पी मल्टीप्लीकेट बाई पी स्क्वायर प्लस फोर, जहाँ पर पी हमारा ग्रेटर देन होगा जीरो से। एक और एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं, हमारा दिया हुआ है e की पावर माइनस टू टी माइनस e की पावर माइनस थ्री टी, हम इसको सॉल्व करेंगे लैपलास e की पावर माइनस टू टी माइनस लैपलास e की पावर माइनस थ्री टी, हम इसको हमें पता होता है अगर e की पावर ए टी है तो हम लिखते हैं वन अपॉन पी पी माइनस ए, तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है, a की जगह पर जो है माइनस टू है, तो यहाँ रखेंगे आएगा वन अपॉन पी प्लस टू, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा फार्मूले के बेस पे, यहाँ जब रखेंगे माइनस वन अपॉन पी प्लस थ्री, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा पी प्लस थ्री माइनस पी माइनस टू अपॉन पी प्लस टू इंटू पी प्लस थ्री, इसका एलसीएम होगा, तो इसको कैंसिल हो जाएगा पी पी से, थ्री में से माइनस टू जाएगा तो कितना आएगा वन आएगा, वन अपॉन पी प्लस टू अपॉन पी प्लस थ्री। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब